Hello friends, good morning, and wish you all a very happy new year 2019. This is the first day of 2019. पिछले कुछ वर्षों में आपका असीम सहयोग और प्रेम मिला और YouTube पर विभिन्न विषयों को लेकर कुछ वीडियो जो हैं अपलोड किए, उन सभी का जो रेस्पॉन्स है वो प्रेरणादायक रहा, मुझको उत्साहित करता रहा। अपनी जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उससे बाहर निकलकर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं, ऐसा मुझको लगा। और जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसका जो रेस्पॉन्स रहा उसने मुझको मेरा जो उत्साह है वो और बढ़ाया। तो YouTube का और आपके साथ जुड़ने का ये जो माध्यम रहा है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस वर्ष या आने वाले जो वर्ष हैं उसमें ये प्रयास करूंगा कि एक जो पार्ट है, बीच का गैप है, वो फुलफिल हो। मेरे बेसिकली तीन एरियाज में मैं काम करता हूं। तीन एरिया, पहला एरिया प्रोफेशनली जो है वो मेरा जो मेन है, बीइंग ए टीचर, वो मैं टीचर हूँ, फिजिक्स टीच करता हूँ अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनको, लेकिन अपने आप को लिमिटेड नहीं रख पाता हूँ कि जो सिलेबस है केवल वही टीच करूँ। तो बियॉन्ड द बाउंड्री एंड बियॉन्ड द क्लास आई ऑलवेज ट्राई टू टीच एंड लर्न many things and beyond the scope, beyond the limit। और ये जो सब जो एक्चुअली ये एनर्जी जो मिलती है, ये जो उत्साह मुझको मिलता है, ये एक जो डिमांड है यूट्यूब के थ्रू, उसके थ्रू मिलती है। अभी मेरी छोटी गुड़िया ही वो मुझको देख रही थी, चली गई है। तो यहाँ एक चीज और भी मुझको लगता है कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह वर्धन तो है, साथ में जो फैमिली है उसका भी उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर और जहां भी मैं बैठा हूं, जिनके साथ मैं रह रहा हूं, ये टाइम उनका भी है। और ये टाइम जो निकला है और जहां जिसको मिला है, राइट, तो उसका माध्यम मैं हूं। तो एक साइड जो पहला है, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं, आपके लिए इसलिए धन्यवाद करता हूं कि मुझको एक रास्ता दिखाई पड़ता है कि आई एम ऑल्सो यूजफुल। मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर भी बहुत लोगों की हेल्प कर सकता हूं। तो बीइंग ए टीचर ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो टॉपिक्स हैं, जो कोर्स हैं, उनको मैं वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में यहां अपलोड करता हूं। दूसरा पॉइंट मेरा जो है रिसर्च का है, मेरा जो रिसर्च वर्क रहा है वो थियोरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स का रहा है, एंड जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो इंटरनेशनल लेवल का है। दैट मींस आई हैव पब्लिश्ड इंडिपेंडेंटली रिसर्च पेपर एंड वर्क ऑन दैट इंडिया से बाहर,
एसोसिएशन है, लिंक्स आप कहिए, रिसर्च लिंक्स हैं, राइट। जैसे आप अगर अभी बाहर हैं तो आपके साथ भी अगर कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां कम्युनिटी को साइंटिफिक वे में बेनिफिट हो जाए तो आई एम ऑलवेज ओपन। थर्ड जो पार्ट है वो पार्ट एक्चुअली आई एम लक्की दैट आई एम इन्वॉल्व इन टू दैट। वो पार्ट ऐसा है कि हम लोग स्टडी करते हैं एक सब्जेक्ट की, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट को टीच करते हैं, उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद पब्लिकेशन करते हैं। लेकिन जो पब्लिकेशन करते हैं, जो पब्लिशर हैं, वो बड़े कम लोग हैं, और उसमें भी बहुत अच्छे लोग बहुत ही कम हैं। तो वो जो पार्ट है, फोर्थ सेगमेंट है मेरी लाइफ का, सो दैट इज वेरी एक्चुअली वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, एंड आई लर्न नंबर ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द पब्लिकेशन। बीइंग ए रिसर्चर वी ऑलवेज थिंक्स दैट वी हैव टू पब्लिश ए रिसर्च पेपर इन ए रेपुटेड जर्नल, राइट। सो वो करते हैं एंड पीपल स्पेंड मोर देन 8 months, 9 months, फर्स्ट इन द 6 months दे डू सम देयर वर्क, देन आफ्टर दे सबमिट समवेयर, एंड देन आफ्टर रिव्यूइंग प्रोसेस पब्लिकेशन ऑल दीज थिंग्स। बट बिहाइंड द कर्टेन व्हाट आर दोज थिंग्स आई लर्न अबाउट टू देम। सो दीज वर समराइज, अगर मैं इसको करता हूं तो मैं टीच करता हूं एक सब्जेक्ट, राइट। तो एक टीचिंग हुआ एक सब्जेक्ट की, उसके बाद रिसर्च, फिर रिसर्च पेपर जो करते हैं, जो रिसर्च करते हैं उसका पब्लिकेशन, पब्लिकेशन जो लोग करते हैं वो पब्लिशर। तो यहां फोर्थ स्टेज तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन इन सभी प्रोसेस में आई हैव लर्न नंबर ऑफ द थिंग्स, जैसे कि जो टेक्निकल टूल्स हैं इन टीचिंग, ये एक तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि जो बैंड ऑफ माइंड है दैट इज टेक्निकल, एंड आई ऑलवेज प्रीफर टू द टेक्नोलॉजी। सो इफ यू सीन माय वीडियो, आई ऑलवेज ट्राई टू यूज सम टेक्नोलॉजी। वंस आई हैव सीन खान अकेडमी एंड फाउंड दैट दे इज राइटिंग सलमान ऑन द स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन विद डिफरेंट कलर पेन। सो आई वॉज सो मच क्यूरियस दैट हाउ बेसिकली ही इज राइटिंग ऑन दिस वे। सो आई आस्क, आई इंक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, समवन टोल्ड मी दैट दिस इज ए डिजिटल पेन, सो ही इज यूजिंग डिजिटल पेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही मे बी राइट एनीथिंग और कैन यूज एनी कलर बाय यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सो आई जस्ट परचेज एन ग्राफिक्स टैबलेट एंड डिजिटल पेन, बट व्हेन आई कनेक्ट इट विथ माय लैपटॉप डेस्कटॉप, सो आई वॉज नॉट एबल टू राइट इन दैट वे। देन अगेन आई स्टार्टेड टू लर्न, एंड इन द नेक्स्ट 3 months I just came to know that there is a software. Not only one software, there are so many software, whiteboard, but useful and with the latest technology, there are so many, limited. And now I am using the software and using the digital pen, graphics tablet perfectly. Now the second question comes. When I was watching a video, I found that the person not only visible
but also writing. And not only writing, whatever he is saying, that is also recorded. Basically, that was the screen recorder. So, I was very much surprised when I watched that video. The person who basically was recording the screen, that he searched basically something in the search box of the Google, and then he tried to explain the things. And I was surprised that basically how basically he is taking this video of it by camera or something else. Then I realized it is not by camera, it is something else. And then I came to know about the screen recorder.